आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहां पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था इस वजह से काफी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू कराएंगे। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं। और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराया जाए। आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहां पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था इस वजह से काफी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू कराएंगे। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं। और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराया जाए।